तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं हनुमा बाकी सन ऑफ ऑर्क सेकंड सीजन के 16 एपिसोड के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जब बुड्ढा होता है वो होश में आ जाता है और जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी उससे मिलने आता है, वो उसके हाल चाल लेता है। डॉक्टर होता है वो तभी अंदर आता है और कह रहा होता है कि तू काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है, तुझे थोड़े रेस्ट की जरूरत है। उधर देखने को मिलता है जो नया स्टूडेंट होता है बॉक्सिंग के अंदर वो अपेयर होने वाला होता है। इधर यहाँ का जो चैंपियन होता है वो बैठा होता है, उससे जो यहाँ के पत्रकार होते हैं वो सवाल पूछ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं करियर में कभी भी हारा नहीं है, तो इस बार का तेरा क्या प्लान है? तो ये बोलने लगता है मेरा प्लान सिंपल है कि मैं फोकस करने वाला हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स पे और इस वाले मैच को भी मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। 3 मिनट के अंदर ये पूरा मैच खत्म हो जाएगा, अगर उससे ऊपर जाता है मैच तो ये इलॉजिकल होने वाला है। अगेन ये जुड़े होता है ट्रिंग में लगा होता है, फिर उसकी नजर जाती है वहाँ पे पंचिंग बैग के ऊपर और वो पूछ रहा होता है क्या आखिर इसके साथ हुआ क्या। जो इसका कोच होता है वो बताता है कि यहाँ पे नया आया है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर उसको देखने को मिलता है जो रिच होता है वो अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है, वो खड़ा होता है और ये चाहता है उससे स्पार करना और ये कह रहा होता है कि मैं उसको हर्ट नहीं करूंगा। जो कोच होता है वो कह रहा होता है कि तेरे लिए एक रेयर चांस आया है, जो हमारा चैंपियन है वो तेरे साथ स्पार करना चाहता है तो क्यों ना तू अंदर आए। और ये इसको बिल्कुल माइंड नहीं करता और कहता है बिल्कुल मैं रेडी हूँ, लेकिन वो उसकी शक्ल देखता है और उसके बाद रिफ्यूज कर देता है। कोच होता है कहता है आखिर तो रिफ्यूज कर रहा है, रेड्स कह रहा होता है क्योंकि इसके अगेंस्ट मेरा एडवांटेज जो है वो काफी ज्यादा होने वाला है, ये मेरे से नहीं जीत सकता है। जिस बात को सुन के वो लोग जो होते हैं वो और फ्रस्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और इसको जबरदस्ती कहा जाता है कि अंदर आ जा। रित्सु जो होता है वो जंप करता है अंदर जाता है, अंदर खड़ा हो जाता है, अगेन उसको वार्न करता है और कह रहा होता है कि ये तेरे लिए डेंजरस होने वाला है, इस बात को समझ। इसको इसके ग्लव्स दे दिए जाते हैं, इसको तैयार कर दिया जाता है और फाइट के लिए जो होता है ये तैयार होता है। और रित्सु जो होता है वो अपना पोज ले लेता है जिसको देख के अब इन लोगों को समझ में आता है कि ये बिल्कुल अपने एलिमेंट में है। और देखने को मिलता है यहाँ का जो चैंपियन होता है वो अपनी मूवमेंट लेने लगता है, रित्सु जो होता है एनालाइज करने लगता है, वो अपने पंच को थ्रो करता है, रित्सु मूव करता है सीधे उसके मुंह पे पंच मारता है और उसको मार के नीचे गिरा देता है और एक ही अटैक में उसको नॉकआउट कर देता है, उसको हरा देता है। वो जो होता है वो बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैंने उसके अटैक को बिल्कुल देखा ही नहीं और मुझे पता भी नहीं चला। रित्सु जो होता है वो अपने ट्रेनिंग में लगा होता है, कोच जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तू कर क्या रहा है, तो ये बताता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो पूछता है सर किस तरह की ट्रेनिंग है ये, तो ये कहता है कि ये इमेजिनेशन वाली है। और वो कोच जो होता है वो बोलने लगता है तो यहाँ बॉक्सिंग सीखने आया है ना, तो इसीलिए तू कुछ चीजें कर जो बॉक्सिंग में जरूरी हो, जैसे कि जंपिंग रोप, शैडो बॉक्सिंग, सैंड बैग, स्पीड बॉल, ये सारी ही चीजें। रित्सु जो होता है कहता है कि मैं हाँ बॉक्सिंग सीखने जरूर आया हूँ, लेकिन क्या ये सारी चीजें करके मुझे प्रॉपर बॉक्सिंग आ जाएगी? अगर ये चीज तुम लोग मेरे ऊपर करना चाहते हो और मुझे करवाना चाहते हो तो कोई ना कोई ऐसा ले गया हो जो अपनी बॉक्सिंग से मुझे नॉक डाउन कर दे और जैसे ही मैं नॉक डाउन हो जाऊंगा मैं सारी की सारी चीजें जरूर करना चाहूंगा। जो यहाँ का चैंपियन होता है वो कह रहा होता है कि तेरे जो लॉजिक है वो जो फॉल्टलेस है, तुम यहाँ पे इसलिए नहीं जीतते हो क्योंकि तुम सही हो इसलिए जीतते हो, लेकिन तुमने आज ये एक चीज बोली है और जिसके वजह से जितने भी प्रो बॉक्सर हैं वो सारे के सारे तेरे दुश्मन बन जाएंगे। उधर देखने को मिलता है जब बाकी होता है वो खड़ा होता है, ऊपर जो कात्सुमी होता है वो अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है, अपनी नई चीज सीख रहा होता है क्योंकि अब उसका एक हाथ नहीं होता है, वो ऑप्टेन करना चाहता है मास्टरी और वो अगेन ट्रेनिंग में लगा होता है। उतने में देखने को मिलता है बाकी जो होता है ऊपर आ जाता है और कात्सुमी जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है उसको देख के और कह रहा होता है दरवाजा बंद है, तुमने ट्री पास किया होगा विंडो को। और बाकी जो होता है वहाँ खड़ा होता है, अगेन ये ट्रेनिंग में लगता है जब बाकी होता है, वो कह रहा होता है कोई बात नहीं मैंने अपना एक हाथ लूज कर लिया है लेकिन मैं ये चीजें करूंगा और अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगा। बाकी जो होता है कहता है तो काफी ज्यादा बढ़िया है और कात्सुमी जो होता है कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ ग्रेटेस्ट फाइट फादर और सन के बीच में जो होने वाली है। अब देखने को मिलता है उस पन्नी से जो बाकी होता है वो भी ट्रेन करता है कात्सुमी के साथ और ये दोनों पन्नी से खेल रहे होते हैं। उतने में जो पन्नी होती है सीधे बाकी के मुंह पे लगती है और बाकी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं बस हेट भी नहीं करता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं उससे फाइट क्यों कर रहा हूँ लेकिन फाइट तो करनी पड़ेगी ही। और उसके बाद बाकी जो होता है अपने घुटने से एक अटैक करता है, वो पन्नी जो होती है दो हाफ में बढ़ जाती है। उधर देखने को मिलता है फिर ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं और कात्सुमी बता रहा होता है कि रित्सु जो है वो बॉक्सिंग के लिए चला गया है। बाकी जो होता है ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक में होता है लेकिन जो कात्सुमी होता है उसको बताता है कि सीकिंग रित्सु जो स्टाइल है वो छोड़ने वाला नहीं है, वो बॉक्सिंग में भी इस्तेमाल करेगा और अपने कुंफू को बॉक्सिंग में भी इस्तेमाल करके उस बॉक्सिंग को जीतेगा और जिस दिन वो बॉक्सिंग का मैच हार जाएगा वो वापस जरूर आ जाएगा। हालांकि इसके लिए ये सारी चीजें इजी नहीं होने वाली हैं लेकिन वो फिर भी वो सारी चीजें करेगा और अपने आप को प्रूव करता रहेगा
और यही चीज उसके दिमाग में चल रही है। अब उधर देखने को मिलता है जो अगेन रेत्र होता है वो अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है, और जो कोच होता है कहता है कि तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जा, तेरा स्पारिंग पार्टनर जो है वो आ चुका है। और वो बताने लगता है कि तू मेरा एक स्टूडेंट है तो तुझे मेरी बातें फॉलो करनी ही पड़ेगी। और वहां पे देखने को मिलता है एक और इंसान जो होता है वो आ जाता है, जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, वो हैवी वेट चैंपियन भी होता है, वो अपने मूवमेंट लेने लगता है और वो यहाँ पे जापान में डेब्यू नहीं कर पाता है क्योंकि उसके शरीर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। रेत्र जो होता है वो समझ जाता है और उससे फाइट करने वाला होता है। देखने को मिलता है रेत्र को उसको हेड गियर पहनाता है कोच और आगे मूव करने के लिए कहता है। जो अगेन सामने वाला इंसान होता है वो अपने पैर के मूवमेंट जो होते हैं उसके काफी फास्ट होते हैं, और रेत्र जो होता है उसको डिफेंस जरूर करता है लेकिन वो उड़ता हुआ जाता है, रिंग के कोने में अटक जाता है। लेकिन रेत्र जो होता है वो समझ चुका होता है, उसको पता होता है कि इसकी स्पीड जो है वो एक्सेलेंट है, इसकी पावर जो है एक्सेलेंट है, लेकिन एक चीज इसके अंदर भी जरूर है, वो है इसकी ग्रिप। और वो अब इसी का फायदा उठाने वाला होता है और मूव करने वाला होता है। अगेन देखने को मिलता है वो जो सामने वाला होता है वो रेत्र के ऊपर अटैक मारता ही है, और रेत्र जो होता है उसके ऊपर हेडबट करता है और अपने सर से उसको डिपेंड करता है क्योंकि इसको ये बात पता होती है जो थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी के अंदर वो फ्रंटल स्कल है ह्यूमन का, और उससे वो उसके हाथ को डिपेंड करता है और उसकी हड्डियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं। उधर देखने को मिलता है जो यूजर होता है वो खा रहा होता है खाना, उसके सामने बैठा होता है कैप्टन और वो बताने लगता है कि बाकी जो है वो चेंज हो चुका है और वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और वो तेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहता है। और ये चीज सुनकर इसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है यूजर को और गुस्से में होता है। उधर रेत्र जो होता है वो अभी फाइट कर रहा होता है, उसके हाथ की बोन को पूरी तरह से तोड़ चुका होता है, और रेत्र जो होता है आगे बढ़ता है और वो रुकता नहीं है, और जो सामने वाला इंसान होता है उसके सामने बढ़ता है और सीधे पंच करता है उसकी ह्यूमरस को, और उसकी जो बोन होती है हाथ वाली वो ब्रेक कर देता है। उधर देखने को मिलता है यूजर जो होता है फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो सारी चीजें क्रश कर रहा होता है। कैप्टन जो होता है उसको शांत करता है और कह रहा होता है कि तू डरा रहा है यहाँ के वेट स्टाफ को, तो तू ऐसा मत कर। और यूजर जो होता है वो सारी डिटेल मांगता है, और कैप्टन जो होता है कहता है कि ये बात मेरे को भी सरप्राइज करी थी, मैं उससे मिलने गया था, और बाकी जो था वो कह रहा था कि वो उसके साथ खाना चाहता है और वो ये कोई एबनॉर्मल चीज तो नहीं है, एक जो फादर और एक सन है वो एक दूसरे के साथ मील तो खा ही सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अलग जो कैप्टन होता है कहता है बाकी तू डंप एक्ट मत कर, तुम दोनों नॉर्मल नहीं हो, तुम दोनों मोस्ट पावरफुल पीपल हो यहाँ के, एवर पूरे ह्यूमन काइंड के, तो तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। हालांकि जो बाकी होता है कहता है कि हम कुक करेंगे राइस को, हीट करेंगे मिसो सूप को, उसको लगाएंगे अपने होठों से, उसको खाएंगे और एंजॉय करेंगे दोनों साथ बैठ के, डेजर्ट भी लेंगे, डेजर्ट भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे और सारी चीजें एंजॉय करेंगे। और फिर वो एक्टिंग करने लगता है अपने बाप की और वो सारी चीजें बोल रहा होता है। कैप्टन जो होता है वो पेशेंटली सुनने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है तुझे क्या सच में लगता है कि इस तरह का यूजर हनमा एग्जिस्ट करता भी है इस वर्ल्ड में? वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीजें नहीं करता है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत ही अलग है। हालांकि जो बाकी जो होता है वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि जो राइस यहाँ पकाएगा वो पकाएगा मेरा बाप, और क्योंकि मुझे राइस पकानी आती भी नहीं है इसलिए उसको स्टेप अप करना पड़ेगा और कुक करना पड़ेगा राइस को। और जिसके बाद यूजर जो होता है और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और कह रहा होता है मैं जो हूँ मैं राइस करूंगा, मैं राइस को पकाऊंगा, और उसके जो बाल होते हैं वो खड़े हो चुके होते हैं और वहां से मूव करके बाहर चला जाता है। बाहर जाता है, शांत होता है और इसके बारे में सोचता है, और इसी साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार ये एपिसोड जो था वो काफी ज्यादा अमेजिंग था और काफी ज्यादा मजेदार था। तो इस वीडियो में इतने रखेंगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।